अच्छा, ट्रस्ट की हमने पहले भी इसको डिस्कस किया, और ट्रस्ट जैसे मैंने पहले मेंशन किया ना, इट वर्क्स बोथ वेज ना। एक तो है कि कस्टमर का सेलर पे ट्रस्ट, एक है सेलर का कस्टमर पे ट्रस्ट। हम ये बात सब जानते हैं कि चीटिंग जो है ना, इट्स नॉट एक्सक्लूसिव टू सेलर ओनली ना, इट कैन बी कस्टमर भी चीट कर सकता है, और कस्टमर भी बहुत दफा चीट करता है, बेतहाशा राइट? चीट करता है कस्टमर तो ये मुझे लगता है मैंने आपकी शायद दुखती रख पे दर्ज पेन पॉइंट जो है ना, मैंने वो पकड़ लिया है, राइट? हाँ, तो वो जो इस तरह के, जो कुछ इस तरह के कस्टमर्स होते हैं, पहले तो ये कि वाई डू यू थिंक दे चीट, राइट? मतलब वो क्यों चीट करते हैं, एंड वो उसको फिर आप हैंडल किस तरह करते हैं, किस तरह? मतलब ये इसलिए भी मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे बहुत से यहाँ, मतलब फैसलाबाद में भी ना, देर लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु आर इन टू ई कॉमर्स बिजनेस, और हु वॉन्ट टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस, सबसे बड़ा उनके लिए जो चैलेंज होता है ना, वो ये ट्रस्ट पहले तो अपने लिए एस्टैब्लिश करना, फिर वो जो अगर एक बिजनेस शुरू किया आपने और शुरू में कस्टमर ने चीट कर दिया, तो वो एक तो उसे मोटिवेशन में बड़ा फर्क आता है, और शुरू में उस तरह का लॉस लेना भी मसला बन जाता है। देखें, ये मैं हमेशा ये कहता था कि यार, एक ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे कस्टमर तो चिल्ला लेता है, मैं कहाँ जाके चिल्लाऊँ। सही है, मैं तो पूरा दिन, हम तो इतने कस्टमर्स हैं ऐसे जहाँ हमें पता होता है वो उससे प्रोडक्ट मंगाई, बोला यार ये तो अंदर से यूज़ निकली, सही है, या ख़राब निकली, ओरिजिनल प्रोडक्ट उठाया साइड में रख दिया, उसमें जो ख़राब पड़ा था उसमें डाल दिया, बोला वापस दे दो, उसको हमने दिया दूसरा प्रोडक्ट दे दिया, या उसने बोला आप मुझे चाहिए ही नहीं, उसको नया तो मिल गया है। सही है, इतना होता है ना, ये इतना होता है कि उस चक्कर में अब हम लोग, अब ये यूज प्रोडक्ट, उसमें देखिए प्रॉब्लम कहाँ आएगा, दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि या तो मैं हिट लूंगा एज अ मार्केट प्लेस, या मेरा सेलर हिट लेगा, दोनों सिनेरियो में नुकसान मेरा है। सही, क्यों? मेरा सेलर मेरे साथ काम ही नहीं करना चाहेगा, बोलेगा यार यहाँ से ये चीज़ आती है, रिटर्न आती है। अक्सर ये होता है कि कस्टमर, ये जो ये रिप्लेसमेंट वाली चीज़ तो बहुत ज़्यादा होती है। सही, कितनी दफ़ा ये होता है कि वो डेड भी नहीं कहता, प्रोडक्ट निकला ही नहीं, खराब था, या ये नहीं ये प्रोडक्ट निकल आया, कस्टमर करता है मुस्तकिल, और फिर वो आता कहाँ से है? कितनी दफ़ा कस्टमर यूज़ करता है और बैटरी जला दी। एक सेलिब्रिटी का वाक्य मैं आपको बताता हूँ, एक सेलिब्रिटी ने हमसे एक ड्रोन खरीदा और बोला कि अब ड्रोन में बैटरी की वारंटी नहीं होती, वो DJI का ड्रोन है, आपने लिया, अब सील्ड था, हर चीज़ थी, उन्होंने बोला दोनों बैटरियाँ उसकी ख़राब है। अब उसी के लड़के ने बोल दिया, उसी की टीम ने बोला जल गया बैटरी, लेकिन हमें क्या बोल रहे हैं, खराब है, हमें रिप्लेस करके दो, वरना अच्छा हम जाएंगे सोशल मीडिया पे, हम यूं अच्छा कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे बेसिकली ब्लैकमेलिंग। वो ब्लैकमेलिंग की, और उस सेलिब्रिटी ने अपने पेज पे लगा भी दिया। और इसके बाद अगली चीज़ हमारे, देखिए हमारे, हमें डील करना आता है लीगली भी और हर तरीके से, हम भी कराची बैठते हैं, सही है, हम 10 साल से काम कर रहे हैं, सही है, हमने उसको एक फॉरन लीगल नोटिस ड्राफ्ट किया कि भाई ये अगर हमने टेक डाउन नहीं किया इतनी देर में, तो हम आपको इतने करोड़ का क्लेम मारेंगे, क्योंकि हमने, हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें आपके बंदे ने बोला जल गया हमसे, हम आपको इसकी वारंटी नहीं देंगे। तो कस्टमर ब्लैकमेल भी करता है, चीट भी करता है, चीज़ें चेंज भी करता है, क्योंकि कस्टमर को पता होता है कि ब्रांड अपने नाम को लेके बहुत सेंसिटिव है। सही है, फिर ऐसे सिनेरियोज में हम किस तरह डील करते हैं, हम कहते हैं सर आपका जो दिल करता है कर लें। सही है, स्टार्ट में हम भी ऐसी तरह परेशान होते थे, अब हम उस जोन में आ चुके हैं कि हम कहते हैं सर आपका जो दिल करता है कर लें यार। सही है, क्यों? हमें पता है हम लीगली भी साउंड है, मॉरली भी साउंड है, हम कोई चीज़ गलत नहीं कर रहे, तो फिर कोई मसला ही नहीं है। लेकिन कस्टमर चीट करेगा, मॉरली एथिकली हम एज अ सोसाइटी बहुत करप्ट है, जो कस्टमर आपको अक्सर, कस्टमर मैं जानता हूँ ऐसे ग्रुप्स में जहाँ लोग लिखते हैं टेलीमार्ट से मत लेना, ये चीट करते हैं टेलीमार्ट से मत लेना, आप उन्हीं लोगों की सिर्फ प्रोफाइल खोल के देखें, वो सारे के सारे रिटेलर्स हैं, वो खुद भी यही चीज़ें बेचते हैं, तो उनको मैं अच्छा नहीं लगता, वो वहाँ जाके झूठ भी लिख देते हैं, तो हम सारे लोग एक ही तरीके के। लेकिन इन चीज़, मैं कहता हूँ आप पॉजिटिविटी को देखें, नेगेटिव चीज़ों को फ्लश करते जाएं डेली बेसिस पे, पॉजिटिव को फोकस करें कि इतने 100 लोग हैं आपने बुलाया ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने इज्जत दी मुझे, सही है, ऐसे माशाल्लाह हजारों लाखों लोग मुझे इज्जत देते हैं ना, कुछ अच्छा किया होगा जिंदगी में तभी इज्जत दे रहे हैं वो, कुछ अच्छी चीज़ बिल्ड की होगी, तो हम पॉजिटिविटी को फोकस करते हैं, कस्टमर्स करते रहेंगे सारी जिंदगी करेंगे। सही है, और ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी रिसर्च है कि इंडिया में भी यही हो रहा है, लोग फ्लिपकार्ट को भी इसी तरह चीट करते हैं, लोग इवन अमेजोन को इंडिया में इसी तरह चीट क्या करते वेस्ट में हैं, भी ऐसा हो रहा है? वेस्ट में ऐसा नहीं होता। सही है, वेस्ट में बहुत रेयर होता, देखे हर जगह है करप्ट लोग, हर जगह होते हैं, कहीं ज्यादा होते हैं कहीं कम, कहीं कम हमारे है। पास थोड़े से ज्यादा हो गए। सही है, और उनके पास, उनको दिखता है पावर है, आज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के हाथ में पावर नहीं है, अमेजोन जिस तरह डोमिनेट करता है ना सेलर पे भी, और जिस तरह कस्टमर पे भी, मैं नहीं कर सकता,
मैं सेलर को बोलूं कि तुम चलो यहां से ये चीज यूं नहीं की तो मैं इतना पेनलाइज करूंगा, निकाल दूंगा, वो बोलेगा अल्लाह हाफिज़, मुझे काम ही नहीं करना आपके साथ। क्यों? मैं इतना बड़ा प्लेयर ही नहीं हूं। लोग अब ईबे पे आप गलती करके देखे वो सेलर, वो आपके डायरेक्ट पेपल अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, आप सारी जिंदगी पेपल नहीं बना सकेंगे। और पेपल आपका कनेक्टेड है सोशल सिक्योरिटी नंबर से, तो उसके पास डोमिनेंसी है, तो उसको पता है मैं सेलर को कंट्रोल करूंगा कि गलत कुछ बेचेगा ही नहीं। हालांकि ईबे इज ओपन मार्केट प्लेस, फिर भी वहां पर कोई गलती नहीं करता। तो इस तरह की चीजें होती हैं जहां सेलर्स करते हैं, कस्टमर करते हैं, लेकिन पार्ट ऑफ बिजनेस है तो हम इसको लेके बेसिकली लॉ वहां पे सेलर कस्टमर दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है ना। तो फिर ये ई कॉमर्स पॉलिसी या जब भी बनेगी कभी तो उसका हिस्सा होना चाहिए कि वो सेलर और उसको दोनों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्योंकि देखें ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आज भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही है। हमें लिटरली एक मिनिस्टर साहब ने हंस के उड़ा दिया, कह रहे आपकी तो कोई कॉस्ट ही नहीं, घर से बैठ के चला देते होंगे। और मैं और दराज और हम सब तीनों तीन चार एक दूसरे को देखे थे, हमने बोला इनको भाई को हमारी कॉस्ट ही नहीं पता कि हम पैसे घर से कितने डालते हैं, सही है। तो वो रियलिटी चेक भी देना जरूरी है, चीजें होती हैं, हो जाएंगी, हम उससे आगे बढ़ते हैं और अच्छी पॉजिटिव चीजों को फोकस करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सो ये